गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछली क्लास में हमने क्या किया बेटा, हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो चलिए आज अपना चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है शेप ऑफ द सेल्स, shapes of the cells। देखिए बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। उनकी जो शेप होती है सेल्स की वो बहुत अलग होती है बेटा। तो देखिए किस किस तरीके से हम उनको याद कर सकते हैं। तो हमने एक ट्रिक बनाई बेटा आपके लिए शेप्स ऑफ द सेल को लर्न करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं गोवा पोलैंड, जाओ गोवा पोलैंड जाओ। देखिए बेटा, यहां पर जी का मतलब होता है जर्म सेल, ओ का मतलब होता है ओवम, ए का मतलब होता है आपका अमीबा, और एच का मतलब होता है आपका ह्यूमन, आरबीसी, और ओ का मतलब होता है आपका ओस्टियो साइंस। ओके बेटा, हमने क्या बताया ट्रिक्स में, गोवा होलैंड जाओ किस लिए बेटा, कि एस बी आई बैंक का कैशियर बनने या क्लर्क बनने। क्या कहा आपने, गोवा होलैंड जाओ एस बी आई बैंक का कैशियर बनने। मींस यहां पर जो एस का मतलब है उसका मतलब है आपका स्फेरिकल, बी का मतलब होता है आपका बाई कंकीर, आई का मतलब होता है इनडेफिनिट, और बी का मतलब होता है आपका ब्रांच, और यहां पर सी का मतलब होता है आपका क्यूबॉइड। ओके बेटा, तो देखिए यहां पर शेप्स ऑफ द सेल आप कैसे याद रखेंगे, गोवा होलैंड जाओ एसबीआई बैंक का कैशियर बनने या क्लर्क बनने। क्लियर बेटा? तो यहां पर जी का मतलब है जर्म सेल, और जर्म सेल्स की शेप कैसी होती है आपकी क्यूबॉइडल, नेक्स्ट है आपका ओवम, ओवम की शेप होती है आपकी ब्रांच, अमीबा, अमीबा की शेप होती है आपकी इंडेफिनेट, ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी की शेप होती है आपकी बाइकन की, और ऑस्टियोसाइट्स की शेप होती है आपकी स्फेरिकल। इस ट्रिक के बेसिस पे आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास शेप ऑफ द सेल पूछ ली जाए एग्जाम में तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा शेप्स ऑफ द सेल, अब बात करते हैं हम साइज ऑफ द सेल। क्या बात करते हैं बेटा, साइज ऑफ द सेल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन सी लंबी सेल होती है, कौन सी स्मॉलेस्ट सेल होती है, इस टाइप से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से आपकी स्मॉलेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है। तो हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल होती है आपकी पी पी एल ओ, मीन्स प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेन्स। ओके बेटा, ये आपकी स्मॉलेस्ट सेल होती है उसको क्या बोलते हैं आप, पीपीएलओ, फुल फॉर्म है इसकी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है आपकी
लार्जेस्ट लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल होती है आपकी ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा बेटा। ओके, उसके बाद लार्जेस्ट प्लांट सेल को पूछ ले आपसे, लार्जेस्ट प्लांट सेल तो आप क्या बताएंगे? दिस साइकस ओव्यूल। क्लियर बेटा? अब आपसे कोई ये पूछ ले कि लॉन्गेस्ट एनिमल सेल के बारे में, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सी होती है, तो आप ये कहेंगे कि वो होती है नर्व सेल। ओके बेटा, अब आपसे कोई ये पूछ ले कि लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सी होती है, तो आप बताएंगे बोगेनविलिया नर्व। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, साइज ऑफ द सेल्स बता सकते हैं। काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं, तो आप आंसर होगा ऑस्ट्रिच एग। कोई पूछे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सी होती है, आप आंसर देंगे नर्व सेल्स। ओके बेटा, इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा आज का कि नंबर ऑफ द सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं बेटा, वो डिपेंड करते हैं ग्रोथ के ऊपर। अगर किसी का साइज बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, तो उसके बिहाफ पे क्या होता है, नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ग्रोथ ज्यादा हो गई तो नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएंगी, ग्रोथ अगर कम हो गई तो नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाती है। तो यहां पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ द सेल्स। तो देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं कि ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि ग्रीन एल्गी की सेल्स कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 8 to 32 सेल्स। क्लियर बेटा? एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग 80 किलो, एक ह्यूमन बीइंग है, उनका वेट क्या है 80 किलो है, तो उनमें लगभग कितनी सेल्स होती है बेटा, तो आपका आंसर होगा 60,000 billion सेल्स प्रेजेंट। ओके बेटा, लास्ट वन हम बात करते हैं न्यूबॉर्न इन्फेंट, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उनके अंदर कितनी सेल्स होती हैं, आपका आंसर होगा 2 × 10^12 नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर। तो बेटे देखिए, ये जो आपका टॉपिक था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कि शेप्स ऑफ द सेल बताएं, नंबर ऑफ द सेल्स बताएं या साइज ऑफ द सेल्स बताएं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। ओके बेटा, इस पे आप अच्छे से अपना आंसर दे सकते हैं। क्लियर? आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।